मध्य प्रदेश में लगातार हो रही कौओं की मौत अब चिंता का सबब बनती जा रही है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगरमालवा में 112, खरगोन जिले में 13 और सीहोर में 9 कौओं की मौत हो चुकी है। मृत कौओं के नमूने तुरंत भोपाल स्थित स्टेट DI लैब भेजे गए हैं। हालांकि पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि कौओं में पाया जाने वाला वायरस H5N8 अब तक मुर्गियों में नहीं मिला है। मुर्गियों में पाया जाने वाला वायरस H5N1 होता है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए बुधवार को आला अफसरों के साथ आपात बैठक भी की है। इसमें फैसला लिया गया है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से कुछ दिनों के लिए पोल्ट्री का कारोबार रोक दिया जाए। CM ने कहा है कि एहतियात के तौर पर यह अस्थायी रोक लगाई गई है। इंदौर, आगरमालवा और मंदसौर में कुछ कौओं के मौत के बाद सावधानी भी बरती जा रही है। हालांकि अभी प्रदेश में संकट जैसी स्थिति नहीं है, बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर भी चर्चा हुई है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर जिलों में गाइडलाइन पर अमल करने के निर्देश देगा। स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर ने बताया है कि केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रोज जानकारी लेने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। जिलों में तैनात पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कौओं की मौत की सूचना मिलते ही तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए। पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट मार्केट, फॉर्म, तालाब और प्रवासी पक्षियों पर खास नजर रखी जा रही है और प्रवासी पक्षियों के नमूने भोपाल लैब भेजे जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग TV। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौआ सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं।